गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज रहे हैं 7:30 एंड हम निकल चुके हैं अजमेर के लिए। अभी हम हैं जयपुर हाईवे पे, बीच में हम रुके हैं खाना खाने। यहाँ पे एक बहुत सुंदर ये कार्ट है भाई, ब्रेड ऑमलेट भी है, ब्रेड ऑमलेट खा लो सारे। वेजिटेरियन भाई मेरा कर देने रहा है हितेश खड़ा होगा, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई सही आइडिया है, छोटी छोटी कार्ट, और डोमिनोज की भी कार्ट है भाई यहाँ पे। डोमिनोज की कार्ट खुली नहीं हुई, उस टाइम देखी मैंने ऐसी डोमिनोज की कार्ट, अभी ओपन नहीं है। बट मेन्यू भी लगभग इसमें सारा ही है, ब्रेकफास्ट मेन्यू। क्या हुआ? ये अभी हमारा चल रहा है बॉन्ड का ट्रेड, बहुत अच्छा। और अभी हम पता नहीं कौन सी कौन से गांव में उतर गए हैं। हमारे नितेश भाई साहब ने बोला कि आगे हाईवे है, और अपने शाणे बन के हमें पता नहीं किस गांव में उतार दिया, और अब हम इधर उधर बस घूमने जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं। अब लोग गाइस, नीतू भाग चुका है, जिसको अभी हमें मारना है, जो हमें गलियों गलियों से लेके आया है। ये एक बार ही बस बाहर आ जाए, फिर इसको बताते हैं। ये इसका घर है, ये रहा नीतू, जो अभी हमसे पिटने वाला है बहुत ज्यादा, जो उल्टी सीधी गलियों से लेके आया है, पागल बनाया साले ने। रास्ता बंद नहीं था, बताओ राजस्थान का रोड सबसे बढ़िया होता है। हाँ इतनी बढ़िया थी, मिनट पहुंचे, 15 मिनट दिखा रहा है। और उसके बाद इसने हाईवे नहीं चढ़वाया, ये तो मतलब गाली पड़ती। 15 मिनट दिखा रहा था जो जीपीएस में दिखा रहा था, वो मुझे पता है कौन से 15 मिनट होते हैं। और अभी ना अभी तुम रुक जाओ, मैं उसी रोड से तुम्हें लेके आऊंगा। हाँ अगर उस हिसाब से आ गए ना, जिस हिसाब से गूगल ने दिखाया, मैं नहीं हम आगे कैसे चल रहे हैं इस उधर से निकलती, बोले ना तुम्हें थोड़ी ना रास्ता पता है। नहीं बाबू वहां की नहीं, इसने ऐसे नहीं बोला, इसने बोला बट इवन कैसा बोलता है इसने, इवन इवन और ऐसे और अभी बट रहने मालिक भूल जाते हैं, मालिक ने गाली भी दी थी। अरे अभी ये भी बोला मुझे बागरोटा में कोई हाथ लगा के दिखाए, तभी तो पैर लगा रहे हैं, हाथ नहीं कोई मारेगा। अभी बोला रास्ते में, बोला है बोले जाट कॉलोनी कैसे होती है, टेंशन बहुत है ना, भूल गए होंगे। ये सारे राजस्थान वाले ऐसे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ये सबको टोपी पहनाता है इसने, जो हमारे 15 मिनट खराब करें। तो यहाँ पर आई एम बुकिंग प्रॉफिट्स इन बॉन्ड, कैसे हुआ क्लोज ये? वीडियो में बोल रहा हूँ मैं, ये कंसोलिडेट करके कैसे आएगा? पार्ट्स में प्रॉफिट आ रहा है सारा, कंसोलिडेट करके आएगा, पार्ट्स में ही आएगा। पीएनएल पे हूँ मैं, बट ये पार्ट्स में आ रहा है। व्यू ट्रेड परफॉर्मेंस नहीं, अभी बाबू चेक करके बता रहा है, बट अराउंड 12,700 कुछ का इसमें बुक हुआ है। बन लिए तुम भी शाने? तो इसमें कुछ अराउंड $12,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है, बट ये
पार्ट्स में बुक हुआ होगा क्योंकि पोजीशन साइज थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से अलग अलग उसमें दिखा रहा है। यहाँ से यार ये मेरे को 12,000 तो लग ही नहीं रहा पूरी कैलकुलेशन में। तो दिस इज द फाइनल प्रॉफिट मिल गया है। कहाँ पे मिलता है तो $11,100 का प्रॉफिट है और फंडिंग फीस जो इसमें लगी है वो $1,000 की लगी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा था एंड अब मैंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी हैं हम नितेश के घर पर, यहाँ पे हम खाने आए हैं दाल बाटी चूरमा और फिर यहाँ से हम, ये घर है अभी इसका जयपुर में, यहाँ से हम आगे निकलेंगे अजमेर के लिए खाना खा कर। अब हम निकल चुके हैं, मतलब निकल रहे हैं नीतू के घर से। यहाँ पे हमने खाया अभी दाल बाटी चूरमा और हम यहाँ पे टोटल 12 लोग आए हैं, हम 3 गाड़ियों में आए हैं। यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा अजमेर, सबसे पहले जाएंगे होटल, फिर वहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, स्विमिंग वगैरह करेंगे और फिर जाएंगे शादी में। उसको रास्ता बता दे, वो यहाँ खड़ा है। चले चलो बस बस भैया एक मिनट, अरे मुझे क्या दिखा रहे हैं। तो अभी हमें हाईवे पे एंड मैं यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे ये 4 लोग गाड़ी में बैठे हैं और चारों के चारों सो रहे हैं। अभी अभी उठा दो, मैं इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ तो उसमें तो कैप्चर हो चुका है। और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ड्राइवर को नींद ना आए। तो अभी हम गाइस रास्ते में रुके हैं, अभी तक इसकी पिटाई चल रही है। वहाँ पे अब हमें याद आया कि हम स्विमिंग करने के लिए शॉर्ट्स लाना भूल गए हैं। तो यहाँ पे एडिडास का आउटलेट है रास्ते में, तो यहाँ पे जाके अब शॉर्ट्स खरीदेंगे। तो ये एक निकर ली है स्विमिंग करने के लिए एंड यहाँ पर ये चप्पल भी अच्छी लग रही है। नहीं तो तुमने लेनी है चप्पल, क्या ये रेड वाली लोगे? तो मैं रेड वाली ले लेता हूँ। हाँ। ये इसमें रेड वाली में भी एक साइज 10 देना। यार साइज 10 रेड वाली में, साइज 10 ब्लू भी है। तो आप रेड ले लो ना, आप तो ले लो। यार ये टी शर्ट्स भी अच्छी लग रही है। ये टी शर्ट भी अच्छी लग रही है ना। अरे बाबू तुम भी आ गए। इसके बाल से फ्लोटी जूते भी अच्छे हैं। नहीं नहीं 50% डिस्क में है ये। भाई ऑफ भी चल रहा है। नहीं मैं सिर्फ यहाँ पे एक शॉर्ट लेने के लिए घुसा था और अभी हम यहाँ से इतनी सारी चीजें लेकर निकल रहे हैं, सिर्फ एक शॉर्ट्स लेनी थी। यूएस में आती है, कनाडा में भी नहीं आती। अच्छा। अभी थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान्स हो गया है। रास्ते में था ये किशनगढ़ डंपिंग यार्ड, हम यहाँ पर आ गए हैं साइट सीइंग करने। भाई नीतू चप्पल दे दो अपनी जो अभी तुमने खरीदी है। अरे मैंने भी तो खरीदी है काली कलर की चप्पल, वो दे दो। अरे है जरूरत है, जूते खराब हो जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे किशनगढ़ डंपिंग यार्ड। ये मिट्टी का ढेर, सिर्फ वीडियोस में अच्छा लगता है। भाई इन्होंने तो यहाँ पे प्रॉपर टिकटिंग का सिस्टम शुरू कर दिया जब से लोगों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा आना शुरू करा है ना। अरे चप्पल देना, वैसे नहीं लग रही जरूरत, रहे तो कोई नहीं, नहीं उड़ेगी मिट्टी। सो दिस इज भाई गाड़ी का क्या हाल हो गया। नहीं नहीं रहने दो, स्मेल कितनी ज्यादा आ रही है यहाँ पे भाई। ओवे तेरी, वो देखो वहां पर भीड़, ये भीड़ है यहाँ पे।
और ऑनेस्टली आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आके कभी टाइम वेस्ट मत करना। हाईली रिकमेंडेड, कभी मत आना यहाँ पर आके, अपना सच्चे में टाइम वेस्ट मत करना। इतनी गंदगी, ये वीडियोस में अच्छा लगता कैसे है? अच्छा दिखाया जाता है वीडियो। यहाँ पे कुत्ते, गाय, भैंस, लक्कड़ बग्गे। गाड़ी खुली हुई है? हाँ। चले। अरे उन्होंने बोला अगर वो नहीं एंटर करें तो फिर ना ही आए। सो नाउ वी हैव रीच्ड, फाइनली वी हैव रीच्ड, 6 घंटे का जो अजमेर का रास्ता था वो हमने कवर किया है 9 घंटे में, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रताप महल। ठीक है भाई, कल सुबह कर लेंगे। कहाँ खड़ी करनी, कहाँ है गाड़ी? लॉबी है ही नहीं ना, वो बंद कर रखा है। नहीं नहीं बंद कर रखा है। किधर गाड़ी, किधर खड़ी होगी? इधर कर देना गाड़ी, यहीं खड़ी करते हैं। अभी कोई पोर्च नहीं है? वहाँ पे वैले पार्किंग है। अच्छा बैक कैसे जाएंगे, यू टर्न? मैं बोल रहा था लिखा हुआ था, बोर्ड लिखा हुआ था, मैं ना बोलता हूँ बोर्ड। अच्छा वो पहले चले गए, हम यहाँ पर आ गए। तो बहुत बढ़िया है। और ये बहुत छोटा है, आगे ले ले, पीछे गाड़ी की पता चले खड़ी हो गया। हेलो गाइस, वेलकम टू। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि ऑल्ट कॉइन्स खरीदो, बिटकॉइन मत खरीदो। तो जैसे ही मैंने डाली, थोड़ी देर बाद एक फॉल आया, क्योंकि उस टाइम पे CPI डेटा आया था कल 7 o'clock। तो लोगों ने उसमें, 2-3 लोगों ने कमेंट करा कि मैंने डाली वीडियो, फॉल आ गया। और अब देखो मार्केट वापस रिकवर कर चुकी है, BTC ने अपना हाई ब्रेक कर दिया है, 51,250 ट्रेड कर रहा है। सारे ऑल्ट कॉइन्स में अब रैली आनी शुरू हो चुकी है। तो इसको कहते हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस जिसको फॉलो करना चाहिए। होटल तो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये होटल है अजमेर के आउटस्कर्ट्स पे, मेरे पास है तेरा फ़ोन, अजमेर के आउटस्कर्ट्स पे। काफ़ी शांत प्रॉपर्टी है एंड बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है, भीड़ नहीं है, तो काफ़ी सुंदर भी लग रहा है। बाय द वे अब बिटकॉइन क्रॉस कर चुका है 51,250 पे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अब रेजिस्टेंस है 52,000 से 52,500। या तो बिटकॉइन को वहाँ पे लॉजिकली साइडवेज मूव करना शुरू करना चाहिए और ऑल्ट कॉइन्स में और रैली आनी चाहिए। अगर पुल बैक आता है थोड़ा बहुत, ऑल्ट कॉइन्स में पुल बैक आएगा। मेरा बॉन्ड में एक ट्रेड चल रहा था जो मैंने एग्जिट कर दिया है, अब मेरा ट्रेड सिर्फ TRV में चल रहा है, और कोई मेरा ट्रेड अभी चल नहीं रहा है। तो यार तो कुछ ज़्यादा ही खाली है, इतना भी खाली नहीं होना चाहिए, इतना भी खाली नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा ज़्यादा ही खाली हो गया यार। हमने इस पूल के लिए, इस पूल में अभी स्विमिंग करने के लिए हम सबने अभी 15,000 रुपये की सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट्स लिए हैं, क्योंकि सब लाना भूल गए, कोई लाया ही नहीं। देखियो अभी हमने इस पूल के लिए, अभी हमने रास्ते में 15,000 की शॉर्ट्स ली हैं। अभी तुम तो अभी ज्वाइन करो ना इस पूल, अब हमें फोटो में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूल अच्छा नहीं है बट प्रॉपर्टी इज़ वेरी नाइस। इस पूल के लिए अभी हम इतनी, हाँ बीच में गुंबद बना रखा, खेल भी नहीं सकते भाई। ये तो बीच में गुंबद बना रखा है, पूल में खेल भी नहीं सकते, पैसे बर्बाद हो गए। टारगेट क्लियर है हेमंत, तुम्हारा टारगेट क्लियर है।
जेट का भी टारगेट क्लियर है, शुरू होने वाली है। जेट ने नहीं पूल मगर चलेंगे भाई, मगर बहुत यही है पूल सामने, छोटा सा है यही है भाई। इन्होंने पूल का वो उतरने का भी बनाया हुआ है तो जा तो यही तो पूल है। हाँ तो यही पूल है, बट भैया कि कुछ ज्यादा ही शांत है भाई। ये क्या हो रहा है, टोलिया कौन वहाँ पे सुखा रखा है किसने? कोई पूल बहुत शांत है, दिल्ली आ गई है यहाँ दिया शांत का प्लान, कुछ ज्यादा ही शांत है भाई। मेरे को लग रहा है हमने ही शोर मचाना है इस पूरे होटल में। दिल्ली 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 क्यों गंदा क्यों है, क्या है उसमें तुम तो कोई ना, उसके बाद तो हम ना लेंगे। देखो हम आ चुके हैं रूम में, ये है रूम। अभी थोड़ा सा हॉच पॉच, अच्छा वाला शांत होटल था और हमने यहाँ पे आतंक मचा दिया। ओह माय गॉड, ये छोटा सा बाथटब और ये है हमारा सामने भी यहाँ पे एक रूम। भाई ये क्या है, ये मैंने लगाया। How they treat hotel rooms. ये एक फैमिली रूम, एक रूम उधर है और एक रूम ऊपर फ्लोर पर है। भाई अब रेडी हो जाओ, 15 मिनट में स्विमिंग कर चलना है। बट 1000 है। अरे हाँ मैं एक बार पार्सल कर दे फिर देखिए। जब किसी बंदे की किस्मत खराब होती है ना तो वैसे खराब होती है। मैंने बॉन्ड का ट्रेड काटा 3.66 पे, अब ये $4 से ऊपर हिट करके आ चुका है। जितना मैंने ट्रेड और मैंने टारगेट लगा रखा था 4.2 का, मेरे को 4.2 पे एग्जिट करना था, बट समहाउ पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, मेरे मल्टीपल ट्रेड्स खुल रहे हैं एंड एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पे। इतने टाइम से होल्ड कर रखा था बट अभी एग्जिट कर दिया और अभी ये रैली आ गई बॉन्ड में। किस्मत अपनी बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हम आ चुके हैं स्विमिंग करके वापस और कैमरा में घुमा नहीं सकता क्योंकि सही हम यहाँ पे नंगा घूम रहा है। और अभी मैं जाऊँगा बाथटब में, बाथटब में पहले अभी मैंने बुलाया हुआ रूम सर्विस से, पूरा बाथटब को मतलब बाथ सेट करेंगे, बबल्स वगैरह बनाएंगे अच्छी तरीके से नहाकर, उसके बाद रेडी होकर फिर जाएंगे। इस वजह से मैं छुपा रहा था क्योंकि भाई साहब भी नीचे से भी नंगे थे, तो फिर रेडी होकर हम निकलेंगे। दुख मगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट शुक्र है कि सेल ट्रेड्स कुछ नहीं चल रहे, ट्रेड्स कोई फंसे नहीं हैं। बहुत लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं, मैं बोल के थक गया, बाय करो, तब भी लोगों ने सेल ट्रेड्स ले रखे हैं, फंस गए हैं उसमें। मार्केट में अच्छी रैली आ रही है, लोगों को लगता है कि सी सम दे समथिंग। टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ है, साइकोलॉजी भी एक तरफ है। साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है विद एक्सपीरियंस। मेरे को जब भी मार्केट में रैली आती है सबसे पहले बिटकॉइन ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद बिटकॉइन स्टेबल होगा, एथेरियम ऊपर जाएगा, एथेरियम थोड़ा सा स्टेबल होगा, फिर ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे। पहले आप देख सकते हो बिटकॉइन ऊपर गया, एथेरियम रुका हुआ था, फिर अब एथेरियम में रैली आई, धीरे धीरे एथेरियम अब साइड में जाएगा, ऑल्ट कॉइन्स और ऊपर जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने इतने टाइम से मार्केट में लिया है। कल फॉरेक्स में दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं था, काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बट इक्वली प्रॉफिट्स जो हो गए मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस था, क्योंकि जो मेरे प्रॉफिट्स हुए हैं वो वापस लॉस में आ गए। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर लिए, गलती करी। फॉरेक्स का वापस रिकवर करना है, कल से कंटिन्यू करूँगा। आज अब मैं और कोई ट्रेड नहीं ले रहा, बहुत टाइम बाद सारे ट्रेड्स क्लोज हुए हैं, थोड़ा सा लाइट में फील कर रहा हूँ। अब वापस थोड़ा सा रिग्रेट आया बट कोई नहीं, थोड़ा सा मैं लाइट फील कर रहा हूँ। TRB का ट्रेड अभी भी रनिंग है। अच्छा, ये मैंने एक अकाउंट बनाया था विद $10,000, ये अकाउंट था एंड इसमें भी TRB का ट्रेड रनिंग है, एक छोटा सा XRP का ट्रेड रनिंग है। इसका मैं PNL दिखाता हूँ, PNL लास्ट 30 डेज, ठीक है। ये मेरे लास्ट 30 डेज के ट्रेड है जो मैंने $10,000 से शुरू करा था। अबे यार ठीक है,
ठीक है, ये ट्रेड्स हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक लॉस बुक करा है पूरे अकाउंट में, ये मेरा सिर्फ $1,000 का अकाउंट था और मैंने सिर्फ इतने ट्रेड्स, $10,000 का अकाउंट था, सिर्फ इतने ट्रेड लिए शुरू शुरू में। तो ट्रेड्स क्योंकि मैं क्वांटिटी जनरली बड़ी लेता था, क्योंकि मैं बड़े अकाउंट से ट्रेड करता था, इतने छोटे अकाउंट से काफ़ी टाइम बाद ट्रेड कर रहा था, तो मैं धीरे धीरे क्वांटिटी सेट होने में टाइम लग गया। फिर मैंने धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाई, समझ आया थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट, और अब मैंने सारा प्रॉफिट इसी से किया है। अभी भी दो ट्रेड चल रहे हैं, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, बट टोटल अकाउंट बैलेंस अभी है 16,750, जिसको मैं 17,000 के ऊपर देख चुका हूँ, क्योंकि TRB 132 हिट करके आया था, तो मैंने उस टाइम पर पूरा बुक नहीं करा। मेरे इस अकाउंट में 200 TRB रनिंग थे, 100 बुक करे और उसके बाद वापस नीचे आया, तो मैंने 50 ऐड कर लिए। मैं इस अकाउंट साइज के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ, बट ये लास्ट मैंने कुछ दिनों में 15-16 दिनों में इस अकाउंट को इतना ग्रो किया है। तो ये उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि यार अगर आपकी छोटी कैपिटल है तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप अपनी कैपिटल को ग्रो नहीं कर सकते, ये मैंने बनाया था कि मैं इसके बारे में बताऊंगा YouTube वीडियोस में भी, ब्लॉग्स में भी बताऊंगा, बट मैं बताना हमेशा भूल जाता था। तो अब मैं दिखा रहा हूँ ये अकाउंट एंड आगे भी दिखाता रहूँगा कि आप छोटी कैपिटल से भी अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। ये जो जयपुर के लोग होते हैं ऐसे ठग होते हैं, ये निकर हमें मिली है 50% डिस्काउंट में, 3,000 रुपये की MRP है और इससे 3,000 रुपये पूरे मांग रहा है, बेशरम। अरे मैं ये तूने लिया अपने लिए कलर भैया, ये बताओ इसमें क्या मुझे अच्छा नहीं लगूंगा। पहले तो तुम्हें मैंने क्लियर करावे, तुम अच्छे कभी नहीं लगते, या तो तुम बुरे लगते हो या तो तुम कम बुरे लगते हो। अंदर किसने टांगे प्लीज, क्या टांगे मुझे? ये पूरे 15 मिनट नीतू यहाँ पे स्टंट करने वाला एक, आओ भाई करो। शाना गया, बैठ गया भाई, बैठ गया। इसके पैसे लगेंगे एक्स्ट्रा तुम्हारे पे। मजा नहीं आ रहा है। तो आगे हम स्विमिंग करने, तो यहाँ पे थोड़ी देर खेलेंगे बॉल से एंड उसके बाद जाके नहा धो के रेडी होके फिर हम जाएंगे शादी में। यहाँ पे हमने जाना है वो यहाँ से आधा घंटा दूर है, अभी हम अजमेर के आउटस्कर्ट्स में है। तो बॉल नहीं है इनके पास, तो इस किसी की टी शर्ट से बना लो। वैसे संयम सबसे गंदी तेरी ही है और सबसे सस्ती भी तेरी है, सबसे गंदी और सबसे सस्ती संयम की है भाई, देख लो उतार सकते हो, नहीं तो सही उतार लो। अरे मैंने दे दी, मेरी वो है, हर बार मेरी जाती है, निकल उतार सकते हो। पिछली बार अरे वो दे दी ना कॉटन की, पिछली बार तुम्हारी नहीं गई थी, लाया तो मैं ही था। चलो भाई चलें, तो राहुल की बाबू रोज कोल्ड शावर लेता है तो इस ठंडे पानी में जाने में इसको दिक्कत नहीं हो रही है। बी स्ट्रांग भाई, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। भाई सही में बहुत ठंडा पानी है। ये लो बाबू कैच, बाहर भी गया कैच, मेरे को दे दो। ये लो लो, तुम्हारी टी शर्ट ही है, ये लो कैच। तो यहाँ पे हमें बॉल नहीं मिली है तो हमने ये टी शर्ट की अब बॉल बनाई है। अबे गीला के करो ना, ये दो ना वरुण भाई इधर, वरुण अबे बैठो वहां, केला बन जाओ, ये लो भाग लोटा, भाग लोटा, भाग लोटा, भाग लोटा। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, 7-2 ये साइड बड़ी है सर भाई, 7-2 अरे क्या कर रहे हो। हम आ चुके हैं शादी में, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।